आइए देखते हैं रायरा। आंटी आप थोड़ा सा क्रेक है क्या? तो बार बार मेरा घर आके एक ही सवाल का है पूछती रहती कि बचपन में निकिता कितनी चुप चुप रहती थी, अब कितना बोलने लगी। इसमें मेरा गलती है अगर मेरा कम्युनिकेशन स्किल सुधर गया तो? हाँ, चाहती है जिंदगी भर यहीं पे गूंगी गुड़िया बन के दफन हो जाए। आपको ना बचपन याद दिलाने वाला जीन है क्या जो पोर्टल से निकल के बार बार मेरा घर आ जाती? बोली कि बचपन में तो बस सर झुका के करते थे, आंटी अब बड़ी हो गए, अब सर नहीं सर चॉप कर देते, कुट्टी पट्टी कुट्टी पट्टी। बचपन में कितनी शांत थी, अगर इतना ही मेरा बचपना पसंद है तो टाइम मशीन में घुलट के मेरा बचपन में चल जाइए, शायद मेरा वर्तमान थोड़ा शांत हो जाए। खुद बचपन कहो कि मेरा बचपन में घुस गई है। आपका बेटा बेटी बचपन में भी टाइटे पूछता और अभी भी टाइटे पूछ है, तो सोचती है सबका बच्चा वैसे होगा। हर बात पे आप अपना टट्टी बेटा बेटी से हमको कंपेयर क्यों करते रहते? अच्छा आपको मेरा तरक्की देखिए इतना भकभकी क्यों लग रहा है? जाइए, आपका बेटा बेटी बाहर इंतजार कर रहा होगा कि मम्मी आएगी मम्मी आएगी, लेज कुरकुरे खरीद देगी 10-10 रुपया देके। आई बड़ा हमको सिखा। हाँ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। आए अंकल, आप ही ना पापा को बोले थे कि इंजीनियरिंग मत करवाइए, 8-10 लाख रुपया लगता। आपकी मदर सिस्टर का घर से पैसा लग रहा था क्या? आज 4 साल हो गया हमको कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हुए, बधाई नहीं दीजिएगा कि 4थे साल भी बेरोजगार रहने की ढेरों शुभकामनाएं। बाप का पैसा वही नहाए धोए खाए अशरम से सूत जाए। ओह माय गॉड, हैप्पी 4th ईयर एनिवर्सरी। पढ़ते रहने से ना अंकल समाज में बहुत एक अलग दर्जा मिलता है। जब आप 4 लोग के सामने बैठते हैं ना तो आपके पास नॉलेज बहुत होता है, भले जेब से आप लंटा हो पर नॉलेज बहुत रहता है। रोड पे जब चलते हैं ना तो भिखारी को देने के लिए पैसा नहीं होता पर नॉलेज बहुत होता है। हम लोग के सामने कोई आके बैठना नहीं चाहता, कहे कि हम लोग दुख सुख नहीं बांटते, नॉलेज बांटते। अब मान लीजिए अगर हम ही आपसे नॉलेज बांटे कि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 हड्डी होता है पर मेरा 100 चड्डी खरीदने का भी औकात नहीं है तो आप भी नहीं रुकेगा? अंकल अंकल कहाँ जा रहे हैं? अरे जिस आदमी के लिए इतना नॉलेज लिए वही बुढ़वा मुंह फेर दिए। हेलो भैया नमस्ते। नमस्ते। हाँ रक्षाबंधन पे आ रहा हूँ ना। हाँ आ रही हूँ। राखी वाखी ले ली? ले ली। और मिठाई में क्या ली हुए? सोन पपड़ी। सोन पपड़ी? यार रहने दो मत आइयो यार, हम सोन पपड़ी वाला देख रहा है यार। सोन पपड़ी ना खा करो यार, मैं वो खा करूँ की खाऊ काजू कतली। चौथे तक पढ़ाई कहाँ कोई लू? गर्मी की छुट्टी हो गई। गर्मी छुट्टी हो गई तो गर्मी की छुट्टी के बाद कहने गई स्कूल? तो बारिश आ गई। अच्छा गर्मी छुट्टी के बाद बारिश आ गई तो बारिश के बाद कहने गई लू? तो जाड़ा आ गई। तो जाड़ा के बाद कहने गई पढ़े? अरे इतना ना छुट्टी मरने की आदत है छूट गई पढ़े के। न्यूज देखे हो आप? क्या चल रहा है न्यूज में? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? एक औरत अपने पति को 10 करोड़ में बेच दी। 10 करोड़ में? हाँ। अरे यार कलयुग है, सही में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे तो 1 करोड़ का जरूरत है। हाँ मुझे तो 1 करोड़ में जिंदगी एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा। चलो रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ ना। अरे अरे रेडी हो जाओ। हाँ अभी पड़े हुए हैं, राखी बांधने का समय हो गया, कब जाएंगे? चलिए साथ में। हम नहीं जा रहे हैं तुम्हारे साथ। क्यों? ये देखो मेरा गंजी फट गया है, यही पहन के जाएं। तो फट गया तो क्या हुआ, गंजी ना है? तारे मैंने पहनिएगा, पहनिए चलिए जल्दी। अच्छा तुम जाओगी नया नया झमका के और हम जाएंगे फटा हुआ गंजी पहन के? मेरे हिस्से करिएगा, आप औरत हो रहे हैं, जो है पहनिए, चलिए झोला उठाइए जल्दी, शर्ट खोल के दिखाना नहीं है वहाँ, सलमान खान नहीं हो रहे हो, झोला उठा। गजब बेइज्जती है। क्या हुआ जी, सुबह से पड़े हुए हो, तबीयत नहीं ठीक लग रहा है क्या? नहीं डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। इसीलिए आप कमजोर दिख रहे हो। क्या बोला डॉक्टर ने, कुछ तो बोला होगा ना? डॉक्टर बोला कि मेरे अंदर खून की कमी है। खून की कमी कैसे होगी आपको? 3 रात तो मेरा तुम खून पीते रहती हो, फिर पूछ रही है खून की कमी कैसे हो गया। छने बेकार है आपको। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।